हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत में एक और नया स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च हुई है। आज की इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, भारत पे को तो आप लोग जानते ही होंगे, इसके साथ ही सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को भी आप लोग जानते ही होंगे। अगर सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को आप नहीं जानते हैं तो भारत पे को तो ज़रूर जानते होंगे। तो भारत पे और सेंट्रम जो है आपस में पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप करने के बाद RBI को यहाँ पर वो आवेदन दे रखी थी एक नया बैंक के लिए, जो कि PMC वाला लफड़ा चल रहा था उस वक्त। तो उसके बाद RBI ने अप्रूवल दे दिया, RBI ने लाइसेंस दे दिया। अब ये दोनों कर एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलेंगे, और इनके तरफ से कहा गया है कि हम जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलेंगे, यानी कि जो नया बैंक का नाम होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। और यहां पर दोनों को RBI ने अप्रूवल दे दिया है। तो सबसे पहले आप ये संक्षिप्त विवरण देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और भारत पे के कंस्टोरियम को एक फाइनेंस बैंक लिमिटेड की लाइसेंस जारी किया। सेंट्रम ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद एक नया बैंक लाइसेंस जारी किया गया है। सेंट्रम और भारत पे की क्षमताओं में दिखाए गए विश्वास के लिए हम RBI को धन्यवाद देते हैं। नए स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। यूनिटी नाम के रूप में सेंट्रम और भारत पे दोनों के लिए कई मायने में जबरदस्त महत्व है। यह पहली बार होगा जब दो साझेदार बैंक बनाने के लिए समान रूप से एकजुट हो रहे हैं। बयान में कहा गया है कि सेंट्रम और MSME और माइक्रो फाइनेंस व्यवसायों को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिला दिया जाएगा। सेंट्रम ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष जसपाल बिंद्रा ने कहा, हम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए खुश हैं और एक मजबूत टीम के साथ नए युग में बैंक को बनाने के लिए भारत पे के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित है। हम भारत का पहला डिजिटल बैंक बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ पर भारत पे के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर असनीर ग्रोवर ने कहा, मैं SFV लाइसेंस के साथ भारत पे और सेंट्रम की एकता को सौंपने के लिए RBI को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अथक और स्मार्ट तरीके से काम करेंगे और भारत का पहला सही मायने में डिजिटल बैंक का निर्माण करेंगे। हम आपको बता दें कि सेंट्रम भारत पे ने संकटग्रस्त सहकारी बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक यानी PMC का अधिग्रहण किया है। RBI से अधिग्रहण की मंजूरी मिलने के बाद सेंट्रम और डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता स्टार्टअप कंपनी भारत पे इसमें 1800 करोड़ रुपए लगाने वाली है। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1 फरवरी 2021 को PMC बैंक के अधिग्रहण कर लघु बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा था। PMC बैंक सितंबर 2019 से रिजर्व बैंक के प्रशासन के तहत काम कर रहा था। इस बैंक में जमाकर्ताओं का 10,723 करोड़ रुपए से अधिक धन अभी भी फंसा हुआ है। इसी तरह बैंक में कुल 6500 करोड़ रुपए कर्ज वसूली में फंसे हैं, जिन्हें NPA घोषित किया गया है। तो इतना जो है कर्ज वसूली का बचा हुआ है, ये जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और 10,723 करोड़ अभी भी धन फंसा हुआ है जो इसमें जमा करता है उनका। तो यही कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। फिर भी मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, PMC बैंक को आप लोग जानते होंगे, जो कि RBI ने अपने अंडर में ले रखा, और इसके बाद यहाँ पर भारत पे और सेंट्रम जो है PMC बैंक में अपना पैसा लगाकर एक नया बैंक के रूप में चलाना चाह रही थी। इसी का रिक्वेस्ट यहाँ पर, इसी के लिए अप्रूवल और इसी के लिए लाइसेंस RBI से ये ले रही थी। तो यहाँ पर PMC बैंक में क्या किया कि भारत पे ने लगाया और सेंट्रम ने लगाया। अब ये PMC बैंक को एक नया बैंक के नाम देकर ये लोग जो है यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च करेंगे, और यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक में साझेदारी किसका होगा, तो भारत पे का और सेंट्रम का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये जो है टेक ओवर किए हैं PMC बैंक का, और यहाँ पर आप लोगों को अब उम्मीद है कि अच्छा सर्विसेज देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक सेंट्रम की तरफ से बताया गया है, तो सेंट्रम और भारत पे जो है PMC बैंक में इन्वेस्टमेंट करके टेक ओवर कर ली है, और यहां पर एक अच्छा सर्विसेज देने की सोच में ये आगे बढ़ रही है, और यहां पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से आपको ये सर्विसेज देगी। अब देखना शेष है कि इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं, किस प्रकार के सर्विसेज हमको इसमें मिलता है, ये सारा कुछ अभी देखना शेष है।
फिलहाल जो भी जानकारी आया था ना उसकी अकॉर्डिंग हमने आपको जानकारी दे दिया। तो उम्मीद तो रहेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकती हैं। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की समस्या या फिर सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।